शादियों का सीजन चल रहा था और हर तरफ बहुत चहल पहल थी। बिंदिया नाम की एक लड़की की शादी होने वाली थी और वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए निकली थी। बिंदिया को अपनी शादी का लहंगा लेना था और वो एक बहुत बड़ी दुकान में गई। भैया, मुझे अपने यहाँ का सबसे सुंदर और भारी लहंगा दिखाना। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में ऐसा लहंगा पहनूं कि बस सब देखते रह जाएं। अरे हाँ हाँ बिल्कुल मैडम, हम आपको अपनी दुकान का सबसे सुंदर लहंगा दिखाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो लहंगा पसंद ना आए। फिर दुकानदार बिंदिया को एक बहुत सुंदर लहंगा दिखाता है। वो लहंगा देखकर बिंदिया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह भैया, ये तो बिल्कुल मेरे सपनों के लहंगे जैसा है। मुझे एकदम ऐसा ही लहंगा चाहिए था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें लहंगा इतना पसंद आ गया। अभी इसे जल्दी से ले लो और घर चलते हैं, बहुत काम है। बिंदिया की माँ दुकान वाले को पैसे देने लगती है और बिंदिया अपना लहंगा लेकर दुकान के बाहर निकल जाती है और सड़क के दूसरी पार जाने लगती है कि तभी सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आकर उसे टक्कर मार देता है। बिंदिया की माँ पीछे से आती है और वो ये सब देखकर दंग रह जाती है। नहीं, ये क्या हो गया? बिंदिया उठो, बिंदिया उठो। बिंदिया की माँ उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन तब तक बिंदिया मर चुकी थी। बिंदिया एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और वो वहीं खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही थी। ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। अभी अभी तो मैंने अपने सपनों का लहंगा खरीदा था, मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ? मेरी शादी, मेरा लहंगा, नहीं नहीं। थोड़ी देर में कुछ लोग आते हैं और वो बिंदिया की लाश और उसकी माँ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। चुड़ैल वहीं खड़ी होकर अपनी माँ को और अपनी लाश को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ? चुड़ैल को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो आगे क्या करे, तो वो पास में लगे एक बड़े से पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। दो दिन बीत जाते हैं और चुड़ैल अब तक वहीं बैठी थी। अचानक से उसका ध्यान उस दुकान पर जाता है जहाँ से उसने अपना लहंगा खरीदा था। बिंदिया की माँ उसका लहंगा वापस लौटाने आई थी। अरे नहीं, ये क्या, माँ तो मेरा लहंगा वापस लौटा रही है, अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो दुकानदार उस लहंगे को फिर किसी और को बेच देगा। नहीं नहीं, मैं अपना लहंगा किसी और के पास नहीं जाने दूंगी, वो सिर्फ मेरा लहंगा है और उसे सिर्फ मैं ही पहनूंगी। चुड़ैल मन ही मन में ठान लेती है कि वो अपने लहंगे को किसी और की नहीं होने देगी और वो हर हाल में अपने लहंगे को वापस पाकर ही रहेगी। जब चुड़ैल की माँ वहाँ से चली जाती है तब चुड़ैल दुकान के अंदर जाती है। चुड़ैल को दुकान में आता देखकर सभी लोग डर जाते हैं। मुझे बस मेरा लहंगा चाहिए और कुछ भी नहीं। दुकानदार चुड़ैल की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो चुड़ैल से डरते डरते पूछता है, लहंगा? कौन सा लहंगा? वही लहंगा जो अभी अभी मेरी माँ वापस करके गई है, वो सिर्फ मेरा लहंगा है और वो मैं तुम्हें किसी और को नहीं बेचने दूंगी। ओ, अब मैं समझा, तुम शायद दूसरी लड़की की आत्मा हो जिसकी दो दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। देखो, मुझे माफ करना लेकिन तुम्हारी माँ इस लहंगे को लौटा कर इसके पूरे पैसे वापस ले गई है, मैं अब तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ। नहीं, मुझे मेरा लहंगा वापस चाहिए, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। देखो, मैं तुम्हें अभी अच्छे से समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अभी किसी बाबा या तांत्रिक को बुलाकर तुम्हें एक बोतल में बंद करवा दूंगा। ये सुनकर चुड़ैल थोड़ा डर जाती है, वो दुकान से चुपचाप बाहर निकल जाती है। लेकिन अब चुड़ैल उस दुकान पर पूरी तरह नजर रखने लगी थी क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। और एक दिन उसने देखा कि एक लड़की उसी का लहंगा खरीद कर दुकान से बाहर आ रही है। ये देखते ही चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो गई। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मेरा लहंगा पहनेगी? इतना कहकर चुड़ैल ने उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। उसका पीछा करते करते चुड़ैल आखिरकार उसके घर तक पहुंच गई। लड़की अपने घर के अंदर चली गई और चुड़ैल बाहर खिड़की से सब कुछ देख रही थी। आओ राधा, कैसी रही तुम्हारी शॉपिंग? क्या तुम्हें अपनी पसंद का लहंगा मिल गया? हाँ हाँ माँ, अरे मुझे तो मेरी पसंद से भी बहुत अच्छा लहंगा मिल गया है आज। मैं सच में बहुत खुश हूँ, जब मैं इसे पहन कर आऊंगी ना तो देखना। सब मुझे ये सब कुछ देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे उस लड़की राधा से बहुत जलन हो रही थी।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपना लहंगा राधा से वापस ले। चुड़ैल मौका देखकर राधा के घर में घुस गई और जाकर उसके कमरे की अलमारी में छुप गई। तभी राधा अपने कमरे में उस लहंगे को लेकर आती है और उसे रखने के लिए अलमारी खोलती है, पर अलमारी में चुड़ैल को देखकर राधा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ, बचाओ, चुड़ैल! राधा चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है और उसके हाथ में पकड़ा लहंगा वहीं गिर जाता है। ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए। चुड़ैल लहंगा उठा के राधा के कमरे की खिड़की से भाग जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। अब ये लहंगा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, कोई भी इसे मुझसे चुरा नहीं सकता। जल्दी से किसी शांत जगह पर जाती हूँ और इस लहंगे को पहनकर देखती हूँ। बड़ा मजा आएगा। चुड़ैल जंगल के बीचों बीच पहुँच जाती है और अपने लहंगे को पहन लेती है। उधर राधा के घर पर सभी लोग लहंगा चोरी होने की वजह से परेशान थे। राधा भी रोई जा रही थी और सबको यही बता रही थी कि उसका लहंगा एक चुड़ैल चुरा कर ले गई, पर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी उसके घर की घंटी बजती है। राधा की माँ जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर बिंदिया की माँ खड़ी थी। वो राधा की माँ से पूछती है, मैंने सुना है आपका लहंगा चोरी हो गया, अब क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकती हूँ? शायद मैं आपका लहंगा वापस लाने में मदद कर सकूं। तभी वहाँ पर राधा आ जाती है और वो बिंदिया की माँ से कहती है, कौन है आप और आप मेरा लहंगा वापस लाने में मेरी मदद कैसे करेंगी? जरूर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, मैं कब से इन सब से कह रही हूँ कि एक चुड़ैल मेरा लहंगा लेकर भाग गई है। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, क्योंकि वो चुड़ैल कोई और नहीं मेरी ही बेटी है, जिसकी कुछ दिनों पहले उसी लहंगे की दुकान के सामने मौत हो गई। ये सब सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बिंदिया की माँ राधा को पूरी बात बता देती है। वो सब लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं और हर जगह चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। उधर लहंगा पहनकर चुड़ैल बहुत खुश थी और वो नाच रही थी। बिंदिया की माँ उसे नाचते हुए देख लेती है। वाह वाह वाह, क्या सुंदर लहंगा है और मुझ पर तो ये और भी सुंदर लग रहा है। क्या बात है। चुड़ैल गोल गोल घूमकर नाच रही थी कि तभी बिंदिया की माँ उससे कहती है, रुक जा बिंदिया। अरे माँ, तुम? कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। देखो ना, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। भले ही मेरा सपना सच नहीं हो पाया शादी का, पर देखो ना माँ, ये सपनों का लहंगा मेरे पास है। मैं इसे पहनकर कितनी सुंदर लग रही हूँ। नहीं बिंदिया, ये लहंगा तेरा नहीं है, ये किसी और का लहंगा है जो कि तूने चुराया है। अगर ये तूने उसे वापस नहीं किया तो उसकी शादी रुक जाएगी। माँ, तुम मेरी तरफ हो या उस लड़की की तरफ? तुम मेरी माँ हो और ये लहंगा सिर्फ मेरा है, मैं उस लड़की को मार दूंगी। रुक जा बिंदिया, वरना अगर तू नहीं रुकी तो मैं इस लहंगे के साथ साथ तुझे भी जला दूंगी, समझी? तू किसी मासूम की जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरा लहंगा है, मैं इसे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी और फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। अगर ये लहंगा मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होगा। इतना कहकर चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर कूद जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। पर तभी वहाँ पर वो दुकानदार आ जाता है जहाँ से उन लोगों ने वो लहंगा लिया था। रुक जाओ, ये देखो मेरे पास क्या है। ये लो चुड़ैल, ये लहंगा जो मेरे हाथ में है ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसको पहनने पर तुम और ज्यादा खूबसूरत लगोगी। चुड़ैल ये सुनकर पेड़ से नीचे कूद कर आती है और दुकानदार का लाया लहंगा देखने लगती है। अरे वाह, ये तो बेहद बहुत खूबसूरत है, इससे ज्यादा खूबसूरत लहंगा तो आज तक मैंने नहीं देखा। चुड़ैल जल्दी से वो नया लहंगा पहन लेती है और पुराना लहंगा वहीं फेंक देती है। पर जैसे ही चुड़ैल वो लहंगा पहनती है उसका शरीर जलने लग जाता है। ये तो जल रहा है, अरे इसमें क्या है, क्या है इसमें? थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। इससे चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मगर ये सब देखकर बिंदिया की माँ जोर जोर से रोने लगती है।